Hello everyone. Today we'll learn how to design a table through an HTML. So let's begin with, I'll share the notepad with you and I'll show you how to design a table through HTML. So when we're talking about how to design a table through HTML, the main part is that the first step which is required is HTML tag. So we'll start with HTML. Then the next tag is head tag. Within the head tag, I'll be just mentioning the title part, the HTML title, and I'll be mentioning the name of my webpage, example of table. And I'll be closing the title part. As we know, जो भी हमारा tag open होता है, tag close होना चाहिए. ठीक, उसके मैंने अपने head tag को close किया. Head tag को close करने के बाद, I'll begin with body tag. बॉडी टैग को ओपन करने के बाद यहाँ में टेबल बना होगा. तो टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेबल टैग की जरूरत है. टेबल टैग को मेंशन किया, इसके साथ इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे. पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर. लेट्स सपोज बॉर्डर इक्वल टू, मैंने 2 कह दिया तो इसके 2 पिक्सल्स का बॉर्डर बन जाएगा. उसके बाद मैंने एक और एट्रीब्यूट यूज किया, दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग. सेल स्पेसिंग मैंने 5 किया. और एक और एट्रीब्यूट यूज किया सेल पैडिंग, और इसको भी मैंने 5 कह दिया. नाउ टेबल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग है वो टैग है टीआर टैग. टीआर टैग स्टैंड्स फॉर टेबल रो. एंड टेबल रो के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टैग लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड टीडी टैग. तो टेबल टैग के अंदर हम सबसे पहले जो नेक्स्ट टैग लगा रहे हैं वो टैग है हमारा टीएच. टीएच स्टैंड्स फॉर टेबल हेड. और मैंने यहाँ लिख दिया रोल नंबर. राइट, मैंने टी एच टैग को क्लोज किया. टी एच टैग को क्लोज करने के बाद आई विल राइट अगेन टी एच टैग, दैट इज फॉर नेक्स्ट पार्ट, एंड आई विल जस्ट राइट डाउन एन एम ई नेम. और मैंने टी एच टैग को बंद कर दिया. नाउ आई विल क्लोजिंग द टी आर टैग. टी आर टैग को क्लोज कर दिया हमने तो हमारा पहला रो कम्प्लीट हो गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रो. ओपन द टी आर टैग अगेन. टी आर टैग स्टैंड्स फॉर टेबल रो. अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए जो नेक्स्ट टैग लगाएंगे दैट इज कॉल्ड टी डी टैग, टेबल डेटा. अब यहाँ पहला रोल नंबर डाल दिया मैंने, टी डी को क्लोज कर दिया मैंने. देन मैंने नया टी डी ओपन किया और मैंने यहाँ लिख दिया नेम, सपोज लेट्स सपोज अमित, और टी डी को क्लोज कर दिया मैंने. आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लोज टी आर टैग. टी आर टैग को क्लोज करने के बाद मैं अपना टेबल टैग क्लोज करूंगा. टेबल टैग को क्लोज करने के बाद मैं अपना बॉडी टैग क्लोज करूंगा और मैं अपना एच टी एम एल टैग क्लोज कर दूंगा. इतना करने के बाद आई विल बी सेविंग इट. लेट्स सपोज हम इसे सेव कर लेते, फाइल सेव एज, और हमने इसे नाम दे दिया. लेट्स सपोज हमारा टेबल का एग्जाम्पल है तो मैं इसे नाम दे देता हूँ डेस्कटॉप में. इसे नाम दे देते हैं हम लोग टी ए बी एल ई टेबल डॉट एच टी एम एल. और इतना करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा ऑल फाइल्स सेव. तो आइए देखते हैं कैसा हमारा बना है ये. सो लेट्स सी, मैं भी स्क्रीनिंग शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ आपसे और लेट्स बिगिन विद. तो अगर मैं दोबारा से शेयर करता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो लेट्स मूव टू द डेस्कटॉप. देखते हैं अपने स्क्रीन का आउटपुट कैसा आ रहा है. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन विद यू एंड यू कैन इजीली सी द आउटपुट. आउटपुट आपको क्लियर दिख रहा है, रोल नंबर 1 नेम अमित. सो दिस इज द वे टू डिजाइन अ टेबल इन एचटीएमएल. आई गेस आपको ये क्लास क्लियर हो गई होगी. थैंक यू.